हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू कैरियर पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की थी, उसके ब्रीफ के बारे में बात की थी कि सॉलिड क्या होते हैं, उन्हें कैसे क्लासिफाई करना है, क्रिस्टेलाइन अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं और अमॉर्फस के यूसेस के बारे में डिस्कस किया था, राइट। फिर क्रिस्टेलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जैसे कि आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्क और मेटैलिक सॉलिड्स। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर जो सॉलिड हैं उनकी टाइप्स की, राइट। तो मॉलिक्यूलर में तीन तरह के आते हैं आपके, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल रहते हैं, पोलर में भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तीनों में मॉलिक्यूल्स रहते हैं बट उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेज डिफरेंट होती हैं। नॉन पोलर में डिस्पर्जन यानी लंडन फोर्सेज होती हैं, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। नॉन पोलर की आप एग्जांपल ले सकते हो हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, जो कि सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। पोलर में HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल्स हैं, ये भी नेचर वाइज सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी स्ट्रांग होती हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, फिजिकली वो हार्ड होती है इन नेचर, इंसुलेटर होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है। आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल आपके आयन रहते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहती है, जैसे कि नमक की एग्जाम्पल ले सकते हो आप, सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ हार्ड इन नेचर एंड ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है, बट मोल्टन या एक्वस स्टेट में ये अपने में से बिजली पास करवा सकता है, मींस इट बिहेव एज अ कंडक्टर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। मेटैलिक सॉलिड में कर्नल्स इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर बोल सकते हो पूरा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज फैला होता है, ये मेटैलिक बॉन्डिंग इसमें अट्रैक्शन होती है। आयरन, कॉपर इसकी एग्जांपल ले सकते हो, ये हार्ड इन नेचर होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई रहता है। नेक्स्ट बात करें कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की, इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपके एटम रहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, एग्जांपल सिलिका ऑक्साइड, कार्बन इन अ फॉर्म ऑफ डायमंड और अ ग्रेफाइट, तो ये हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकली ज़्यादातर ये इंसुलेटर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये आपके जो क्लासिफिकेशन थी उसके बेसिस उनकी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम आज स्पेस लैटिस और क्रिस्टलाइन लैटिस की। जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का, चाहे वो एटम की फॉर्म में हो, आयन की फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो, किसी भी क्रिस्टल की 3D, राइट, उसे आप स्पेस लैटिस या क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हो। तो उसकी क्या खासियत होती है? एक तो जो भी क्रिस्टलाइन लैटिस का पॉइंट होगा वो उसका एक पार्टिकल होगा, चाहे वो एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, हर पॉइंट में लैटिस में लैटिस पॉइंट कहलाता है। और जो पॉइंट ज्वाइन करते हैं तब एक ज्योमेट्री मिलती है जो उस स्पेस लैटिस की ज्योमेट्री कहलाती है। तो यूनिट सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट 3-डायमेंशनल पोर्शन होता है कंप्लीट लैटिस का, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये ओ ओरिजिन ले सकते हो आप, यहाँ से इसकी लेंथ है जो एज की ए बी सी मान ली है हमने, और जो एंगल है बिटवीन दैट एजेस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गैमा, राइट। तो ये कंप्लीट स्पेस लैटिस है जो एक क्यूबिकल शेप का, वो यूनिट सेल कहलाता है। तो अब बात करते हैं इस लैटिस की टाइप्स की। एक तो होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स सिर्फ कोनों पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, राइट। नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं दूसरी टाइप के, इसमें बेटा नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल में कोनों पे हो सकते हैं या किसी फेज पे हो सकते हैं, बॉडी के सेंटर में हो सकते हैं या फिर वो एंड सेंटर्ड हो सकते हैं। तो उसके बिहाफे की 3 टाइप्स हैं, फेज सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड।
तो फेस सेंटर में हर कॉर्नर पे होगा प्लस हर फेज में एक होगा जो आपका एटम मॉलिक्यूल या आयन होगा। एंड सेंटर्ड में हर कॉर्नर पे होगा प्लस दो ऑपोजिट फेजेस के सेंटर पे होगा, चाहे वो ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हो या फिर बाएं दाएं हो। थर्ड आता है आपका बॉडी सेंटर, हर कॉर्नर पे होगा, एक विद इन द बॉडी सेंटर पे होगा, जैसे ये डायग्राम में दिखाया, फेस सेंटर में हर फेस पे होगा, बॉडी सेंटर में सिर्फ एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, और एंड सेंटर्ड में ऑपोजिट फेज में, जैसे ये ऊपर और नीचे के फेज में दिखाया गया है। तो क्रिस्टलाइन सिस्टम देखा जाए सात तरह के होते हैं, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये है इनकी जो एक्सियल लेंथ की मैंने बात की थी पीछे ए बी सी की, क्यूबिक में तीनों साइड्स बराबर होंगी और तीनों एंगल 90 90 90 के होंगे और नंबर ऑफ लैटिस सिस्टम में तीन होंगे। टेट्रागोनल में दो साइड्स बराबर होंगी, तीसरी साइड उसके बराबर नहीं होगी, बट एंगल तीनों ही 90 डिग्री के रहेंगे और नंबर ऑफ लैटिस दो रहेंगे। सिमिलरली ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड बराबर नहीं रहेंगी बट एंगल 90 के रहेंगे। रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड बराबर रहेंगी, तीनों एंगल बराबर रहेंगे पर तीनों में से कोई भी 90 का नहीं होगा। हेक्सागोनल में दो साइड बराबर रहेंगी, एक नहीं रहेगी बराबर, दो एंगल 90 के और एक 120 का रहेगा। मोनोक्लिनिक में कोई भी साइड बराबर नहीं होगी बट दो एंगल 90 के होंगे और एक 90 का नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड बराबर नहीं होगी और कोई भी एंगल बराबर भी नहीं होगा और कोई 90 भी नहीं होगा। तो ब्रेविस लैटिस के हिसाब से उसमें जो नंबर ऑफ लैटिस पूरे सिस्टम में होंगे वो 14 रहेंगे। फिर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है, कितने नंबर ऑफ स्फीयर एक पर्टिकुलर स्फीयर को टच कर रहे हैं वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, चाहे वो आस पड़ोस के हों या ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन हों, कितने उसके इर्द गिर्द हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल अगर आपने कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले देखेंगे जो कोनों में थे आपके, पिछली डायग्राम में मैंने दिखाया तो हर कोने पे एटम की पूरे सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो वो है 1/8। कैसे, क्योंकि चार आगे के चार पीछे के टोटल 8 बन रहे थे, तो एक पार्टिकुलर की एक कोने पे एक 1/8 पार्टिसिपेशन है। फेस सेंटर में क्या था, हर फेस में एक था, तो इसका मतलब 1/2 हो गया क्योंकि वो दो के साथ शेयर हो रहा था। और बॉडी सेंटर में सेंटर पे एक रहता है और एटम जो एज पे प्रेजेंट होता है उसका शेयर 1/4 रहता है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, प्रिमिटिव के केस में जहाँ पे कोई आपका सिर्फ कोनों पे है, कोई फेस पे नहीं होगा, कोई बॉडी सेंटर नहीं होगा, कोई एंड सेंटर नहीं होगा, प्रिमिटिव में 1/8 × 8 = 1 आएगा। बॉडी सेंटर में इसी प्रिमिटिव के साथ एक बॉडी सेंटर वाला ऐड होके 2 बन जाएगा। फेस सेंटर में 1/8 × 8 तो आ ही गया आपका वो जो कोने पे शेयर होता था, प्लस हाफ शेयर आपका वो 6 फेजेस वाला जा रहा था, जिससे कैलकुलेट करके आपका 4 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं क्रिस्टल में जो क्लोज पैकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो 1 डायमेंशन हो सकती है, 2 डायमेंशन हो सकती है या फिर 3 डायमेंशन। पैकिंग में क्या है कि कम से कम स्पेस रहे और मैक्सिमम स्पेस है जो वो ऑक्यूपाई हो जाए। तो क्लोज पैकिंग जैसे 1 डायमेंशन में देख सकते हो कि ये स्फीयर एक साथ अटैच है, तो इसमें किसी भी एक की बात कर लो, मान लो इसकी बात कर रही हूँ, तो इसके पड़ोसी कितने हैं, एक ये पीछे वाला एक आगे वाला, तो 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। 2 डायमेंशन में जैसे आप इस फिगर में देखिए, स्फीयर है लीनियरली, तो ये जो सेंटर वाला है इसके आस पड़ोस कितने हैं, 1, 2, 3, 4 जो उसको टच कर रहे हैं, राइट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 रहा। अगर वो उसके वॉइड स्पेस को भी कवर कर रहे हैं, वॉइड स्पेस मतलब जो खाली जगह बची हुई है, जैसे ये वाली है, ये वॉइड स्पेस है इन बिटवीन, तो इसमें अगर सेंटर की बात करें तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो ये था आपका 2 डायमेंशन में।
अब बात करें थ्री डिमेंशन में, थ्री डिमेंशन में क्लोज पैकिंग है जो वो 2D स्क्वेयर क्लोज हो सकता है या फिर 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। जैसे ये है, इसमें स्पेस बची हुई है जो आप देख सकते हो, ये वॉइड स्पेस B का नाम दिया हुआ है। दो टाइप के इसमें वॉइड्स आ रहे हैं, एक A टाइप के जैसे ये वाला और एक B टाइप का जैसे ये वाला, राइट। इसमें अगर उसके ऊपर भी लेयर आ रही है स्फीयर्स की तो और स्पेस कम बचेगी, तो वॉइड स्पेस और कम हो जाएगी, तो तीन तरह की आ जाएगी आपकी, ए डी सी, इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो इंटरसाइड, वॉइड, होल एक ही चीज है। तीनों का मतलब है कि जो खाली जगह बची है स्फीयर के इर्द गिर्द, राइट। फिर आती है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, कितने परसेंट टोटल स्पेस फिल कर ली है पार्टिकल्स ने, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, के टोटल स्पेस जो फिल की है फ्रैक्शन में उसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। सबसे पहले बात करें प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक सेल की, तो सिंपल क्यूबिक में एक का शेयर 1/8 × 8 था, एक था, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 πr³, और क्यूब का वॉल्यूम क्या रहता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीन्स ए क्यूब अगर आप इसकी साइड ए ले रहे हो। तो पैकिंग फ्रैक्शन में दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करके आपके पास ऊपर में वॉल्यूम रखोगे आप तो स्फीयर का, नीचे में रखोगे आप क्यूब का, तो डिवाइड करके 0.524 आ गया, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए करोगे तो 52.4% आ गया। सिमिलरली फेस सेंटर्ड की बात की जाए तो उसमें अब आपके जो फेस पे हैं वो भी लोगे, ये ऊपर का व्यू दिया हुआ है उसी क्यूब का, या किसी एक साइड का ले सकते हो, क्योंकि फेस में क्या रहता है, हर फेस पे सेंटर में एक एटम या मॉलिक्यूल हो एग्जिस्ट करता है। तो ए सी क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसे कैलकुलेट करके आपके पास ए आ जाएगा 4/√2r। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब रहता है, तो ए की क्यूब कर लो यहाँ पे, तो 4/√2r का होल क्यूब हो जाएगा। वैसे ही पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ऊपर आपका स्फीयर का, इसमें 4 की पार्टिसिपेशन थी तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया स्फीयर के वॉल्यूम को, डिवाइड बाय आपका जो यूनिट सेल का वॉल्यूम आया, तो वहां से पैकिंग फ्रैक्शन आपकी 74% आ गई है। अब बात करते हैं हेक्सागोनल की, उसमें भी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग की तरह 74 आ जाती है, वैसे ही कैलकुलेट करना है आपने। फिर बॉडी सेंटर्ड में क्या आएगा, एक इनसाइड द बॉडी था तो उसमें ए सी आगे वाले कोने को पीछे वाले कोने से मैच करवाया हुआ है, तो वहां से हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट किया, अंडर रूट 2a आया, तो AD आपका वहां से कैलकुलेट करने के बाद a इक्वल टू 4/√3r आया। यूनिट सेल का वॉल्यूम सेम था a क्यूब, तो यहां से a का क्यूब करेंगे 4/√3r का होल क्यूब, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। दो स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्फीयर के एक के वॉल्यूम को, राइट। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करने के बाद 68% आपका कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। अब बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस की, तो वो होता है 0.225r, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस होता है 0.414r। आर क्या है, जो भी स्फीयर होगा उसका रेडियस। सो जो ऑक्युपेसी है वॉइड्स की उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, कि कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होंगे उसकी क्लोज पैकिंग में। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या आएगा, दुगना हो जाएगा जितना भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, राइट। या ये कह सकते हैं कि 2 × नंबर ऑफ एटम जो पैकिंग में प्रेजेंट थे। तो जो वॉइड की लोकेशन होती है क्रिस्टल में वो कैसे देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने नंबर ऑफ है, n है, और टेट्राहेड्रल 2n है। तो रेडियस रेशियो निकालते हैं, उसके लिए रूल होता है कैटायन का रेडियस डिवाइड बाय एनायन का रेडियस, कैटायन वाला r प्लस एनायन वाला r माइनस। तो अगर आपने क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी निकालनी है उसके एज से, तो उसके लिए फॉर्मूला है यूनिट सेल का मास डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। इसमें एक केस लेते हैं हम, अगर क्यूबिकल क्रिस्टल है एलिमेंट का, उसके लिए
एज लेंथ ए पिकोमीटर है और नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है यूनिट सेल में वो जेड है। तो एटॉमिक मास एलिमेंट का हम मान लेते हैं एम है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका ए पिकोमीटर का क्यूब कर लेंगे, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यूनिट सेल का मास है जो वो बराबर होगा कितने एटम है सेल में, मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका मास ऑफ ईच एटम जेड इन टू एम की फॉर्म में। तो हर एटम का मास कैसे आएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी यहां से कैलकुलेट कर ली हमने, जेड इन टू एम अपॉन एन नॉट अपॉन ए क्यूब इंटू 10^-30। ये हमारा कन्वर्जन के लिए यूज किया गया है। तो केस टू में क्यूबिक ऑफ आयनिक कंपाउंड अगर देखना है, उसके लिए डेंसिटी हमारी आएगी रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। फिर बात करते हैं जो ये हमारे लैटिस होते हैं, इनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, कमियां होती हैं, इम्परफेक्शंस होते हैं। तो कोई भी डिपार्चर है अगर परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में, कॉन्स्टेंट पार्टिकल में, क्रिस्टल में, तो उस डिफेक्ट को या इम्परफेक्शन को हम कैसे देख सकते हैं। तो इसमें या तो वो पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है या फिर लाइन डिफेक्ट। जब कोई डेविएशन है या इररेगुलरिटी है आइडियल अरेंजमेंट से पॉइंट या एटम तक जा रही है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, तो वो पॉइंट डिफेक्ट है। अगर वो डेविएशन आइडियल अरेंजमेंट से पूरी रो तक जा रही है तो वो होता है लाइन डिफेक्ट, के अलोंग द लाइन पूरा डिफेक्ट जा रहा है ये। तो पॉइंट डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरे इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी पॉइंट डिफेक्ट में ही हम काउंट करते हैं। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो रेशो होती है कैटायन और एनायन की वो सेम रहती है, तो इसे इंटेंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। ये आगे दो तरह के होते हैं जो कि नॉन आयनिक सॉलिड से शो किए हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट जहाँ कुछ लैटिस साइट हैं जो वो वेकेंट रह जाती हैं जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें जो पार्टिकल है इंटरसाइट यानी खाली जगह पे आ जाते हैं, वॉइड पे आ जाते हैं, राइट। जैसे ये देखो, ये एक फिगर बनाइए, ये जो डार्क डॉटेड लाइंस है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे आयन या मॉलिक्यूल हैं, ये जो खाली है ये वेकेंट लैटिस क्रिएट हो गया, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट है। अगर वही चीज इन बिटवीन आ गई आपकी दूसरे केस में, तो वो इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे उसको। फिर आयनिक सॉलिड जो है वो शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। शॉटकी में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन है जो वो मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। और टाइप है जो इसकी, वो एक तो है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा है स्मॉल डिफरेंस है जो साइज में, किसके कैटायन और एनायन के। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, राइट, पोटेशियम ब्रोमाइड, इस तरीके से। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मिस है क्योंकि ये बी नेगेटिव था, ये बी नेगेटिव था, यहाँ ए पॉजिटिव आना था, ये मिस है, तो यहाँ पे बी नेगेटिव मिस है, तो इक्वल चार्ज नंबर ऑफ कैटायन या एनायन है वो मिस है, तो वो शॉटकी डिफेक्ट है। फ्रेंकल डिफेक्ट में आयन मिस होते हैं जो वो लैटिस साइड से होते हैं और वो इंटरस्टिशियल जगह आके घेर लेते हैं, यहां से मिस होके यहां आ गया ये, राइट। तो इसमें क्या है, इंटरस्टिशियल साइट वो ऑक्यूपाई करते हैं जिससे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि गया तो वो कहीं नहीं, सिर्फ यहां से मूव करके वो इनसाइड आ गया। तो टाइप ऑफ कंपाउंड जो इस डिफेक्ट में होते हैं उनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है और लार्ज डिफरेंस होता है कैटायन एंड एनायन के साइज में, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड आ गया, जिंक सल्फेट आ गया, सिल्वर आयोडाइड आ गया, सिल्वर ब्रोमाइड आ गया। फिर इन डिफेक्ट के नतीजे क्या हैं, क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या हैं। सॉलिड इस डिफेक्ट से बेटा इलेक्ट्रिसिटी कुछ हद तक कंडक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, फ्रेंकल में सिमिलर चार्ज है जो वो क्लोज होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो वो बढ़ जाता है। दूसरी बात कर रहे थे हम नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की, इसमें जो एनायन टू कैटायन रेशियो है वो डिफरेंट रहती है,
पहला आता है इसमें मेटल एक्सेस, जो एनायन वैकेंसी की वजह से होता है, जिसमें नेगेटिव आयन मिस हो जाता है और स्पेस है जो वो नेगेटिव आयन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर लेता है, उसे एफ सेंटर बोलते हैं, क्योंकि वो कलर शो करता है। जैसे यहाँ से नेगेटिव कलर नेगेटिव हट गया और उसकी जगह आके इलेक्ट्रॉन ने ले ली। अगर एक्स्ट्रा कैटायन कोई प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइट में, तो एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए साथ में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जैसे यहाँ अगर एक्स्ट्रा ए पॉजिटिव आ गया, तो स्टेबल होने के लिए नेगेटिव भी उतना ही चाहिए इसको, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। जैसे एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड की। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है, मेटल वेरिएबिलिटी वैलेंसी की शो करते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या था, खाली हो गया, पॉजिटिव चार्ज मिस हो गया, बट मेंटेन तो करनी है हमने इसकी न्यूट्रलिटी, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हो दो हो गए, ए टू पॉजिटिव। फिर आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो फॉरेन एटम होते हैं प्रेजेंट होते हैं लैटिस साइड पे या वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट पे, उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आगे है डोपिंग। डोपिंग क्या है, कोई इम्प्योरिटी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में हम ऐड कर देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं डोपिंग। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की क्या होती हैं, पहले आता है कंडक्टर, मतलब उसकी कंडक्टिविटी रेंज कितने में रहती है सॉलिड की, नियर अबाउट 10^4 टू 10^7 पर ओम पर मीटर रहती है। मेटैलिक कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं बिना किसी केमिकल चेंज के। कंडक्टिविटी है जो मेटल की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन कितने वेलेंस है पर एटम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है आयंस के फ्लो होने की वजह से, ये सॉलिड में अप टू स्मॉल एक्सटेंड रहती है। इंसुलेटर की रेंज 10^-20 टू 10^-10 पर ओम पर मीटर रहता है, जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर, सल्फर, फास्फोरस। सेमीकंडक्टर, इसकी रेंज 10^-6 से लेके 10^4 पर ओम पर मीटर रहती है। तो बैंड गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की कम हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो सेमीकंडक्टर की, वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, तो कंडक्टिविटी है जो वो इंक्रीज होती है डोपिंग से, मतलब कोई इम्प्योरिटी ऐड करके। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी आप ऐड कर सकते हो। आगे बात करते हैं सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड या वाटर की एग्जांपल ले सकते हो। ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल में शो की जाती है प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, राइट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं इवन अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो भी, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम ऑक्साइड। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच एक्सपेक्टेड टू पासिस पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट जो डोमेन की होगी, बट एक्चुअली वो जीरो या नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसकी जीरो ही होती है, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड। फेरी मैग्नेटिक में वो सब्सटेंस एक्सपेक्ट करते हैं जो लार्ज मैग्नेटिज्म गेन करते हैं ऑन द बेसिस मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन है जो, बट एक्चुअली स्मॉल नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है उनकी। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, क्यूरी टेम्परेचर, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड की वो एक टेम्परेचर पे ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, दैट इज़ क्यूरी टेम्परेचर। हर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की करैक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर वो फेरोमैग्नेटिज्म है जो वो शो नहीं कर सकता, उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये था आपका सॉलिड स्टेट के बारे में, पूरा चैप्टर कवर किया है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल होंगे
और न्यूमेरिकल के लिए जो जो फॉर्मूले यूज हुए हैं वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे आप कौन सा टॉपिक चाहते हो, या इसके न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए